अब वो क्षण है कि मुझे कबीर का दोहा याद करने का मन होता है, नैना आतर आवतु नैन मूंद मैं ले हूं और ना मैं देखूं और को ना तुझ देखन दे हूं। चाहे वो एक मिनट बोलें चाहे एक घंटा बोलें, प्रोफेसर नामवर सिंह जी का समय है, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं। मैं भाग्यशाली हूं मुझे उन्हें मंच पर आमंत्रित करने का अवसर प्राप्त हुआ है। प्रोफेसर नामवर जी आशीर्वचन देंगे। प्रोफेसर नामवर सिंह क्योंकि कई गोष्ठियों में मैं था नहीं और उन्होंने सुना करके कि कोई चीज़ बची नहीं, मैं सब सुन गया। धृतराष्ट्र अंधे थे, देख नहीं सकते थे कि महाभारत में क्या हो रहा घटित हो रहा है, लेकिन ऐसा विवरण संजय ने दिया कि जैसे उन्होंने सब सारा महाभारत देख लिया। इसीलिए मैंने कहा कि उन्होंने महाभारत में वही रोल अदा किया जो संजय ने किया था। और जैसा भव्य वर्णन किया कि उसमें से कई लोगों को खुशी होगी, क्या मैंने यही कहा था, ऐसा ही कहा था? साकी ने कुछ मिला दिया था उसमें। जहाँ तक रिपोर्ट में बाकी चीज़ों में बयान करते हुए होता है, बार बार चीज़ें दोहराई जाती हैं, आवृत्ति होती है। कविता में यह दोष नहीं है। हिंदी की एक कवि और हुए हैं केशव दास, वो तुलसीदास के समकालीन थे, तो उन्होंने लिखा है कि केशव दास आठोयाम राम 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 जपत रहतन डरत पुनरुक्ति को। राम 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 जपते रहते पुनरुक्ति जो है दोष होता है। बहुत दोहराना, एक ही बात को बार बार कहना जो है गुण नहीं है, दोष है। वो कहते हैं लेकिन राम का नाम जपने में कोई दोष नहीं है, चाहे जितनी बार आप रटें। इसकी परवाह किए बिना हम लोग गोष्ठियों में कहीं भी, और मास्टर होने के कारण हर अध्यापक का अनुभव होगा, क्योंकि विद्यार्थी साल साल बदलते रहते हैं, मास्टर वही रहता है, वही चीज़ें पढ़ाता चला जाता है, वही पढ़ाता, उम्र बीत जाती है दोहराते हुए। तो हम लोग लिखने पढ़ने बोलने में दोहराने के लिए अभिशप्त हैं। अब पुनरुक्ति हो तो कोई इसमें गड़बड़ी नहीं मानी जा सकती है। उसमें चार चांद लगाए हैं ऋषभदेव जी ने, जिक्र उस परिवश का और फिर मैं अपना हो गया रखी बाकी जो था राजदा अपना। जिस जो चमका करके उन्हीं बातों को ऋषभदेव जी एक नया रंग देते हुए चले, तो कोई भी, मैं उन्हीं के रकीबों में से एक हूँ। खास ऐसी सभा गोष्ठियों संचालन करने के लिए होता है। कैसी हुई गोष्ठी, उस पर मुझे अपने गुरु जी से सुनी हुई एक कहानी याद आ रही है, इसलिए कि मेरे पेशे से उसका ताल्लुक है। मैं क्रिटिक हूँ, तनकीद लिखने वाला हूँ, नक्काद जिसे कहते हैं उर्दू में, और आम तौर से वो बहुत प्यारा आदमी नहीं होता है। क्रिटिक को लोग आम तौर से उसके विरोधी ही होते हैं, अगर दुश्मन नहीं है तो। तो जब तय किया देवताओं ने कि देखें, एक थे उनका नाम था विश्व निंदक, वो हर चीज़ की निंदा करते थे। देवताओं ने कहा कि ऐसा विश्व निंदक है, देखें कैसे निंदा करता है।
और एक इंद्रदेव ने वहाँ स्वर्ग में एक ग्रैंड दावत का आयोजन किया, सबको बुलाया, स्वयं लक्ष्मी ने इंतज़ाम किया और देवताओं का था, और देखा कहा कि बुलाते हैं उसको, देखें कैसे वो दोष दिखाता है। तो बुलाया गया उसको, विश्वनिंदक आए, घूम घूम के तमाम लोगों से मिले, खाया पिया, सब कुछ देखा उखा, जाने लगे तो दरवाजे पर पान लेकर के एक और इंद्र बैठे हैं और दूसरे इंद्राणी है खड़ी थी। जब जाने लगे तो कहा कि महाराज आपने कुछ कहा नहीं, ये कहानी बंगाल की है इसलिए बंगला में जवाब उन्होंने दिया, जिसका मतलब आप समझ लेंगे। तो बोले कि ऐतो भालो भालो नए, इतना अच्छा होना भी अच्छा नहीं है। इसलिए आलोचक का धर्म निभाते हुए मैं कहूंगा कि इतना अच्छा होना भी अच्छा नहीं है, अनुभव से कह रहा हूं। इशारा पहले दिन किया था, शमशेर पर दिल्ली में कई गोष्ठियां हुई हैं, अशोक वाजपेयी सब में बोलते घूम रहे हैं और रुपया बांटते फिर रहे हैं, बड़े बड़े विद्वान पर्चे लिखे गए, विमल जी ने भी देखा होगा, यहाँ तो सो रहे थे विमल जी, वहाँ जाग रहे थे। सारी गोष्ठियां हुई और इतनी पुनरावृत्ति थी, वही वही बात, वही कविताएं उद्धृत की जा रही थी। यहाँ तो कुछ नई कविता को शब्द जी ने, आपने जिस कविता को कोट किया, ये कविताएं नहीं वहाँ पढ़ी गई, कई कविताएं जो अलक्षित रह गई हैं वो सुनाई गई आज, और अर्थ उसमें किया गया, आपने किया। उन दिल्ली की गोष्ठियों को देखता हूँ और अपने हैदराबाद को देखता हूं। खास बात यह कि आमतौर से शमशेर के हिंदी वाले कवि की ही चर्चा हुई, उर्दू को पर किसी की नज़र ही नहीं गई, पढ़ाई नहीं, इस लायक ही नहीं समझा लोगों ने, लेकिन हिंदी की भी उन्हीं उन्हीं चीज़ों को दोहराया जो एक अरसे से लोग रिश्ते पढ़ते चले आ रहे हैं। शमशेर होते तो उनको कोफ्त होती, हैदराबाद वाली गोष्ठी में वो आधा चाँद लिए लोग नाच रहे थे, ये पूरा चाँद शमशेर का तो यही दिखाई पड़ा। इसलिए उन अधूरी गोष्ठियों की अपेक्षा हैदराबाद अपने जैसा कि हैदराबाद है, ये पूरा चांद यहाँ देखने को मिला। वो यहाँ जो पसंद तो लोग दूज की चांद को करते हैं, लेकिन ये पूरा चांद यहाँ दिखाई पड़ा। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँगा कि जो पर्चे पढ़े गए हैं, लेकिन उससे ज़्यादा जो जबानी बातें कही गई हैं और रिकॉर्ड की गई हैं, इनको किताब जरूर छापिए, लोगों की आंखें खुल जाएंगी, तब पता चलेगा कि दिल्ली से दूर भी है एक जगह जो उनसे बेहतर है। मैं यही कहूँगा, और जमे हुए अखीर से रहे लोग, ये नहीं कि आधे मन से आए उठते चले गए, ये छपे तब पता चले कि पूरे शमशेर को लोग देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, नरे से ये रोशनी यहाँ से जाएगी। इसलिए कभी कभी सुना है कि पश्चिम में सूरज उगा है, शमशेर ने कहीं लिखा है, ये पैगाम तो सर के बल कोई लाए, जमाने का रद्दो बदल कोई लाए, एक जगह कहा है तो उन्होंने कहा कि सुना है कि पश्चिम में सूरज उगा है, ये पैगाम तो सर के बल कोई लाए, पाँव से चल करके तो लाए तो लाएगा ही। इसलिए सचमुच एक नए शमशेर की पहचान और भरे पूरे शमशेर की पहचान इस गोष्ठी का हासिल है, और कटिमणि साहब के पहल से, और दिलीप सिंह ने हाथ लगाया था,
और आप तमाम लोगों का सहयोग मिला, मैं सिर झुकाता हूँ आप लोगों के सामने। अलविदा।